अगले 20-25 मिनटों में मैं ये कोशिश करूँगा कि हम वो इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएँ जो हम जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए देश और संसार में बात करते हैं। तो शुरुआत के लिए ये बहुत खुशी का पल है मेरे लिए। मैं एक ज़माने में स्टूडेंट रहा करता था, तो आज बहुत खुशी की बात है कि यहाँ स्वामी नारायण मंदिर सरदार राजकोट के पास जहाँ हम आए हुए हैं, ये आने का एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उस सौभाग्य को ज़रा आगे ले जा करके और आप सबको जागरूक करना चाहते हैं बहुत सी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले जितने भी स्वामी जी लोग यहाँ पे आज पधारे हुए हैं स्वामी नारायण मंदिर सरदार में, और जितने भी छात्र हैं यहाँ पे और जितने भी इनवाइटेड गेस्ट आए हुए हैं, सबको कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल और मैं डॉक्टर संजय पांडे की तरफ से नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत में ये बताना बहुत ज़रूरी होगा कि मेरा यहाँ आ पाना और स्वामी नारायण मंदिर के बारे में सब कुछ जान पाना और आपको जागरूक करना, उसमें इतना बड़ा योगदान होता है स्वामी नित्य स्वरूप दास जी का। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे आज शाम को एयरपोर्ट में मिल पाया। तो जब राजकोट आया तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनके सारे स्वामी जितने भी लोग यहाँ पे हैं और जितने भी लोग इस पूरे मंदिर और मंदिर के आंगन में हैं, उन सबको अभिनंदन है। क्योंकि हम यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो स्वामी नित्य स्वरूप दास जी को धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आज हम जहाँ पे हैं, जिस तरह के स्वामीनारायण मंदिर सरदार में हैं और जिस तरह की जागरूकता की इन्विटेशन हमने को मिली है, इसका पूरा श्रेय उनकी महान गतिविधियों को जाती है, जिसके कारण आज इतने सारे बच्चे इस पूरे एरिया में जिनको गोद ले सकते हैं, जिनके अध्ययन और जिनकी शिक्षा के लिए। मेरे को बताया जाता है कि आज इस छात्रावास में 1000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो बहुत बड़ा श्रेय है और इसके लिए बहुत धन्यवाद है। उनके विषय वस्तु मुफ्त में मिलना, सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे पूरा उनका आचरण और उनकी पूरी डेवलपमेंट होना, उनके अध्ययन में कोई बाधा ना होना और उनको भरपूर नागरिक बनने में स्वामीनारायण मंदिर का जो योगदान है वो मेरे को आज देखने को मिलता है। और इससे बहुत ज़्यादा अचंभा होती है और बहुत खुशी होती है कि इस तरह के मंदिर इस तरह का काम कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच स्वामी नित्य स्वरूप दास जी का इस पर इतना बड़ा योगदान और सारे स्वामी जी लोग, जो मेरे को बताया जाता है कि 120 स्वामी जी लोग यहाँ पे कभी न कभी एक साथ रहते हैं और फिर पूरे देश दुनिया में फैल करके अपने सारे मंदिरों में भक्तों के पास जाते हैं, तो इसका इतना बड़ा योगदान छात्रों के लिए, सोसाइटी के लिए, और माना जाता है कि इससे आगे बढ़ते हुए जितने भी रक्तदान शिविर होते हैं जिसकी व्यवस्था होती है, जितने भी गरीब वर्ग के लोग जिनको मुफ्त चिकित्सा प्रदान करने का यहाँ पे वो मौका मिलता है, कभी हम भी यहाँ पे उस चीज़ के लिए आना चाहते हैं। और प्राकृतिक आपदाएं जो निरंतर होते रहती हैं इस देश में, शहर के आसपास, उसमें राहत की जो गतिविधि और जो आगे बढ़ने का पूरा प्रकोप है, उस पर जिस लेवल पे स्वामी जी ने और उनकी पूरी टीम ने मार्गदर्शन दिया है, ये आज उस मार्गदर्शन का एक छोटा सांश है। तो मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगले 20-25 मिनटों में ये बहुत इंपॉर्टेंट कोशिश है कि आप सबको ज़रा जागरूक करूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई में पिछले 10-11 साल से काम कर रहा हूँ, और ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम डॉक्टरों को नहीं और नर्सेस को नहीं, पर सोसाइटी को और छात्रों को और एक मंदिर के आंगन में ये बोल पा रहे हैं। तो शुरुआत के लिए हमारा जो पहला स्लाइड है वो पॉजिटिविटी के बाद में है। एक डॉक्टर हर से मरीज ठीक करता है वो हॉस्पिटल के अंदर होता है। जब एक हॉस्पिटल से बाहर निकल के डॉक्टर आता है तो वो चाहता है कि कोई मरीज ना हो, हर कोई अपने घरों में ठीक रहे। आज उसी कोशिश के लिए हम एक पॉजिटिव यूरिनरी हेल्थ या पॉजिटिव अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, और इसलिए हमारा आज सितंबर के महीने में इस तरह का यहाँ एक भरपूर छात्रों को और स्वामी जी लोगों को सबको ये बता पाना
मैं स्वामी नित्य स्वरूप दास जी को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। तो शुरुआत के लिए बताना चाहता हूँ कि कोकिलाबेन धीरूभाई में अंबानी हॉस्पिटल जहाँ पिछले 11 साल से हम काम कर रहे हैं, वो मुंबई में एक अनूठा हॉस्पिटल है जहाँ हमें आने का मौका मिला जब मैं चेन्नई में काम करता था। यह हॉस्पिटल 16 मंजिला हॉस्पिटल है जहाँ हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर काम करते हैं। वो हृदय के डॉक्टर हैं, वो ब्रेन के और नर्व के डॉक्टर हैं, वो शिशुओं के डॉक्टर हैं, वो वृद्धावस्था के लोगों के डॉक्टर हैं और हमारे जैसे डॉक्टर जो यूरिनरी और किडनी हेल्थ के लिए देखते हैं। तो हर स्पेशलिटी की ट्रीटमेंट वहाँ ए टू जेड होती है और हम चाहते हैं कि लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और इसलिए जहाँ तक पिछले 10 सालों में हम हॉस्पिटल में लोगों को ट्रीट कर रहे थे, वैसे ही हम लोगों को सोसाइटी में जाके जागरूक करना चाहते थे। और उस जागरूकता की एक छोटी सी अंश है जो हम आप तक पहुँचाने की आज कोशिश कर रहे हैं। हर किसी की कोई जर्नी होती है, हमारी भी एक जर्नी रही है कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। 2009 में ये हॉस्पिटल स्थापित हुआ था, जैसा मेरे को अभी कुछ देर पहले पता चला कि भगवान खुद ही यहाँ 216 साल पहले 4 महीने के लिए यहाँ पे रह चुके थे। तो इस आंगन में जहाँ ये इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है उसका बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है। तो महत्व बहुत ऊँचा बढ़ जाता है क्योंकि यहीं से सब कुछ शुरुआत हुई थी। ये धार्मिक स्थल के लिए बहुत ही महत्व रखता है। वैसे कोकिलाबेन हॉस्पिटल हम सबकी ज़िंदगी में इतना महत्व रखता है बिकॉज यहाँ इतने मरीज़ आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। वो बहुत अर्ली आते हैं या बहुत लेट से आते हैं। 2009 में जब ये हॉस्पिटल शुरू हुई थी और चेन्नई से मैं पहली बार वहाँ पे आया था तो हॉस्पिटल नहीं थी और लोग पहली बार आ रहे थे। आज उस हॉस्पिटल को 10 साल हो गए हैं। हम लोगों ने ये माइलस्टोन क्रॉस करते करते वहाँ पहुँचे हैं जहाँ आप अपने को बहुत गर्व होता है कि हम मरीज़ों को ठीक कर पाते हैं और पूरी टीम के तरह से ठीक कर पाते हैं। ये एक 24/7 इस तरह की हॉस्पिटल है जहाँ सुबह दोपहर शाम रात इस चीज़ पे काम करते हैं। तो आज इतना काम कर चुके हैं कि हम सोसाइटी को आके बोल सकते हैं कि आप बीमारी से बचिए, बीमारी को पहले आइडेंटिफाई करिए और अपने डॉक्टरों को दिखा के ठीक होइए। तो ये जो पूरी कहानी है उस कहानी का पूरा श्रेय हम कोकिलाबेन हॉस्पिटल को दे रहे हैं बिकॉज 10 साल की ये डिस्टिंक्शन, 10 साल से हॉस्पिटल इंप्रूव करते रहना। जैसे आप सबकी ज़िंदगी में पहले 200 स्टूडेंट हुआ करते थे, आज 1000 स्टूडेंट यहाँ अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए उस लेवल को जा रहे हैं जहाँ आप बहुत ही कैपेबल नागरिक बनेंगे और इस शहर और इस देश को आगे लेके जाएंगे। कोकिलाबेन हॉस्पिटल से आप सबको बहुत बड़ा सैल्यूट है। हम सब अपनी जर्नी में लगे हुए हैं और हम सबको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। तो आप सबके लिए प्रोत्साहन है कि आप जिस सीढ़ी पे बैठे हुए हैं और आगे चल रहे हैं उसके पादान आपको क्रॉस करते जाना है और इसके लिए अपनी फोकस रहने की ज़रूरत है। तो डॉक्टरों की तरह, हॉस्पिटल की तरह हमारा जो फोकस रहा है, वैसे आपकी शिक्षा में जो नित्य स्वरूप दास जी की पूरी टीम और ये पूरा स्वामीनारायण टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो सरदार ने इस तरह का इतना बड़ा माहौल बना रखा है जहाँ पे लोग पनप करके इतने बड़े सिटीज़न हो रहे हैं, आपकी फोकस भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप में से बहुत लोग आगे बढ़ करके इस देश के काम आएँ। जहाँ तक जागरूकता की सवाल है, जागरूकता में अस्पताल, डॉक्टर, मैं, हम सब मिलके उस लेवल तक जा चुके हैं जहाँ लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हो, वो प्रिंट मीडिया के द्वारा हो या फिर आपसे संपर्क करके सामने बात कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। मैं किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं यूरिनरी हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ। यूरिनरी हेल्थ मतलब किडनी के बारे में, यूरिन के बारे में, जिसके बारे में लोग शर्माते हैं, जिसके बारे में लोग बोलना नहीं चाहते हैं। और ये ना बोल पाना और उसको टालना, ये अपने में एक बहुत बड़ी बीमारी है। हमें अगर कोई मुश्किल है तो हम बताना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने मुँह में मीठा रख लिया, जो इतना अच्छा टेम्पल का प्रसाद होता है, तो हमें चखने को मन करता है, हम उसे अच्छे से खाते रहते हैं, एक और प्रसाद लेके मुँह में खाते हैं क्योंकि वो मज़ा आता है। अगर मुँह में मिर्ची डाल दिया तो तीखा लगता है, तो या तो उसको निगल जाते हैं या उसको थूक देते हैं। तो हम इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करते हैं किसी चीज़ को जो हमारे अंदर आ रहा है। उसी तरह से अगर कोई बीमारी की लक्षण होते हैं तो उन लक्षणों को किसी को बताने की ज़रूरत है। अगर बुखार है तो डॉक्टर को बताना है, अगर पेशाब में जलन है, पेशाब में खून है तो डॉक्टर को बताना है। तो आज हम आपको जागरूक करना चाहते हैं कि अगर कोई चीज़, कोई लक्षण ऐसा है जो आपके नॉर्मल पंक्ति या नॉर्मल सिस्टम में नहीं है तो कृपया ऐसा ना करें कि उसे छोड़ दें। मुश्किल है तो किसी को बताएं, बिकॉज आज ये है, कल वो कुछ और हो सकता है। यही जागरूकता के लिए हम एक ऑर्गन प्रोस्टेट के बारे में बात करते हैं और प्रोस्टेट की कैंसर से लोगों को बचाने की बात करते हैं। तो इंडिया टुडे में एक गुड न्यूज़ इशू था, तो आज हम उसी गुड न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम टाइम पर पकड़ लेते हैं, कोई भी चीज़, तो उसे बहुत आराम से और बहुत टाइम पर ठीक कर सकते हैं। तो ये जागरूकता का एक मिसाल है जो या तो पेपर मीडिया पर हो या फिर आके आपसे मिले। तो आज हमारी ये बातचीत का पर्पस क्या है, हम आपके पास आकर के आज क्या बात करना चाहते हैं और क्यों बात करना चाहते हैं। ये जागरूकता इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज
इस अवेयरनेस को अगर हम सोसाइटी तक फैला सकें, आप सब इस शहर से और इस देश के इतने इम्पॉर्टेंट सिटीज़न हैं, आप लोग के दिमाग में अगर ये घर घर जाता है कि हमें कोई चीज़ टाइम पे पकड़ना है, हमें पढ़ाई टाइम पे करना है, हमें अपना पूरा पूजा, और हम आपकी आरती को सुन रहे थे और बहुत खुशी की बात हो रही थी, तो सब कुछ अगर एक टाइम होता है तो किसी मुश्किल को भी ठीक करने का एक टाइम होता है। तो ये पूरा पर्पस मेरा यहाँ आकर के आपको ये बताना है कि हम अवेयरनेस को उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं जो सोसाइटी समझ जाए कि हमें पॉजिटिविटी में रहना है, इससे पहले कि वो बहुत मुश्किल बन जाए हम पहले से ही किसी न किसी को बता दें। बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ कुछ चीज़ को एडजस्ट करते जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, मेरे आज बाल काले हैं जैसे आपके बाल काले हैं, लेकिन कल परसों 10 साल 20 साल 50 साल बाद ये बाल सफ़ेद दिखेंगे। ये ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ये चेंज एक दिन में नहीं होता है। तो जो भी चेंज हमारी बॉडी में बहुत स्लोली हो रहा है हम उसे पकड़ नहीं पाते, उसे पकड़ना आसान नहीं होता है। अगर अभी दर्द हुआ तो पकड़ लेंगे यहाँ दर्द हो रहा है या वहाँ दर्द हो रहा है, अभी पेशाब में खून निकला या जलन हुई तो पकड़ लेंगे कि अभी शुरू हुआ, लेकिन हमारे बाल पक रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो ये चेंज इतना धीरे धीरे होता है कि हम पकड़ नहीं पाते। और हम सब आज जिस उम्र में हैं, 15 से लेकर 25 की उम्र में आप सब यहाँ स्टूडेंट्स हैं और इतने सारे भक्तगण आए हुए हैं और स्वामी जी लोग अलग अलग उम्र के हैं, उम्र के साथ जो चेंज होती है वो हमें पता नहीं चलता, बिकॉज हम बहुत स्लोली उसमें ढलते जाते हैं। तो ये ढलते हुए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई चीज़ नॉर्मल से भिन्न लग रहा है तो उसे टाइम पर पकड़ने की ज़रूरत है। तो ये पूरी चीज़ कि हम बहुत गड़बड़ ना हो जाए, इससे पहले कि मुश्किल ना हो जाए, इस अवेयरनेस को आज फैलाने के लिए आप सबके पास आए हैं। तो आपको अपने डॉक्टर या अपने यूरोलॉजिस्ट जो यूरिनरी प्रॉब्लम के लिए, उसे मिलने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर कोई ऐसी मुश्किल होती है। तो ये पूरा चीज़ कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल और आज स्वामीनारायण मंदिर सरदार में, ये पूरी जो डॉट हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये सिर्फ जागरूकता के लिए है। इस पर ऐसा कुछ न लें कि ये बीमारी किसी को हो जाएगी या हो सकती है, ऐसा किसी को हो सकता है, पर आज सब आप सब आज यहाँ से निकलने के बाद हमारे एम्बेसडर हो जाते हैं। आप सब जानते हैं कि अगर कोई बीमारी होती है तो हम उसे टाइम पर पकड़ेंगे, हम अपने डॉक्टरों को, अपने शिक्षक को, अपने लोगों को टाइम पर बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कनेक्शन हम बनाने की आज कोशिश कर रहे हैं, उस कनेक्शन में हम हर समय देखते हैं कि एक जर्नी चल रही होती है और मरीज़ सोचता है हम डॉक्टर के पास कब जाएं, कहीं दवाई खरीद के खा लिया, किसी और को दिखा दिया, लेकिन शायद सही डॉक्टर या सही हॉस्पिटल के पास पहुंच ना पाएं। तो ये जो पूरी जर्नी है और जो डायलेमा है, इस डायलेमा को हम, इस डायलेमा से निकलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग जानें कि हम अपनी हेल्थ को खुद ख्याल रख सकते हैं, और उस ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल आपके पार्टनर्स हैं, डॉक्टर आपके पार्टनर्स हैं, और पूरी सोसाइटी आपकी पार्टनर है। तो इस चेंज को जगाने के लिए, जिस चेंज के बारे में आज बात करने आया हूँ, कोई भी रोड को हम अगर अच्छे से नेगोशिएट करें तो नेगोशिएट हो सकता है। तो आपकी जो उम्र है, अगर इस उम्र में आपने कोई चीज़ सीख लिया आज, तो वो आपकी प्रोफेशन में, आपकी फ्यूचर में आपको हेल्प करती है। वैसे अगर आपने आज कुछ सुन लिया मेडिकल के बारे में, तो ये आपको आगे ले जाने में बहुत मदद करता है। मैंने ये शब्द कहा यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है जो मरीजों को ठीक करता है, या उनके कंप्लेन को सुन करके कुछ उससे आइडिया निकालता है और फिर टेस्ट करके उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तो डॉक्टर हर तरह के होते हैं, आप बहुत से डॉक्टरों के बारे में जानते होंगे, कुछ डॉक्टर जो दवाइयाँ देते हैं, कुछ डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं, कुछ डॉक्टर वो हैं जो सिर्फ टेस्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके बाकी डॉक्टरों को मदद करते हैं। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, यूरोलॉजिस्ट का काम वो है जो किडनी और यूरिनरी पैसेज की प्रॉब्लम्स को टाइम पर पकड़े। तो जितनी भी मेडिकल बीमारियाँ और सर्जिकल बीमारियाँ हैं जो मैं आपको अगले कुछ मिनटों में दिखाऊंगा, उसकी बीमारियों को हम टाइम पर पकड़ना चाहते हैं। तो उस जागरूकता की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि यूरोलॉजिस्ट वो है जो सिर्फ यही चीज़ देखना चाहता है। अगर मेरे को कोई बोलेगा आप मेरी बदन में खुजली को देख लो और मेरे सर में दर्द को देख लो, तो शायद मैं उसको उतना समय दे ना पाऊँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बहुत फोकस्ड है। जैसे आप में से कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई कुछ और बना, तो वो अपने इलाके में फोकस्ड रहेगा। तो वैसे ये एक फोकस है, जो हम एक एरिया में फोकस्ड रहते हैं, हम उस फोकस पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है जो आपके दिमाग में घर कर जाना चाहिए। ये बताता है कि वो सिस्टम क्या है जिस पे मैं डॉक्टरी करता हूँ, या जिस पे एक यूरोलॉजिस्ट डॉक्टरी करता है, वो करता क्या है। ये पूरी सिस्टम है जिसमें पहले तो शुरुआत में आप किडनी देखते हैं, तो किडनी वो चीज़ है जो यहाँ पे है। तो अगर मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है तो शायद किडनी में दर्द नहीं हो रहा है। कहने का मतलब, ये किडनी, भगवान ने हमें दो किडनी दिया है और दोनों किडनी यहाँ पीछे होती है। तो मान लीजिए मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है और दर्द यूँ इस तरह से आगे की तरफ और नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब पॉसिबली किडनी में कोई दर्द हो रहा है। और ये दर्द क्यों हो रहा है? या तो कोई पत्थर निकलने की कोशिश हो रहा है, या कोई यहाँ रुकावट या पीड़ा हो रही है। तो ये दोनों पीछे की जो अंग हैं, इसे हम पीछे का अंग लॉइन बोलते हैं, यहाँ पे दोनों किडनी की स्थापित होती है। किडनी में क्या काम है किडनी का? किडनी का काम है कि वो खून को फिल्टर करे, और जितना भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, बदन का जो भी वेस्ट है,
वो पेशाब के रास्ते तरल पदार्थ में निकाले, तो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करके पेशाब बनाता है। जैसे चाय की छलनी होती है, छलनी वो सब कुछ निकाल देता है जो जरूरत नहीं है और बाकी हटा लेता है, तो वैसे किडनी एक तरह की फिल्टर है, वो खून को फिल्टर करती है और खून को साफ रखती है। ये साफ रखने से बदन की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, और जो कुछ गड़बड़ है, जो कुछ हमें चाहिए नहीं, वो यूरिन बन के बाहर निकलता है। ये पतली सी पाइप होती है जिसे हम यूरेटर कहते हैं, और ये यूं आकर के नीचे पेशाब की थैली जो नीचे है जहां हमें सेंसेशन होता है वहां जाके पेशाब जमती है। तो पेशाब एक वो तरल पदार्थ है जिसमें सारा वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी निकाल रही है। अब ये सब कुछ एक नॉर्मल अंग है और नॉर्मल प्रक्रिया अपनी ज़िंदगी में चल रही है, जो हमारे आपके बदन में चल रही है। लेकिन बेचारे जो मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, उनको इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, और वो गड़बड़ की जागरूकता मरीज़ को होती है, या तो वो जल्दी बताता है या वो देर से बताता है। तो यूरेटर वो ट्यूब है जो पेशाब को ट्रांसपोर्ट करता है। पेशाब की थैली का अपना दिमाग होता है, जैसे आपका मेरा एक दिमाग है, पेशाब की थैली का अपना एक दिमाग है। जैसे जैसे ब्लैडर भरता जाता है वो फूलता जाता है, एक लिमिट तक जब वो फूल के भर जाता है तो बोलता है चलो अब मीटिंग से निकलो और जरा जाके पेशाब करो। इसका मतलब ये है कि ब्लैडर तब तक भर सकता है गुब्बारे की तरह जब तक भरेगा, और फिर खाली करेगा, और उसके बाद नीचे अंग है जिससे हम पेशाब बाहर खाली करते हैं, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा वो पाइप है जिससे यूरिन बाहर को निकल पाता है। तो ये ऑर्गन्स हैं जिनकी बीमारियों को न होने देने के लिए हम आज ये पॉजिटिव यूरिनरी हेल्थ के डिस्कशन कर रहे हैं। तो समाज को ये बताने की ज़रूरत है कि इन ऑर्गन की कोई बीमारी एक यूरोलॉजिस्ट आपको ट्रीट करता है। आगे माध्यम से वो आपको समझाने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सब अंग हैं कहाँ पे, तो अगर मैंने यहाँ हाथ रखा हुआ है हड्डी पे, इसके ठीक पीछे दोनों किडनी होते हैं दोनों तरफ, और दोनों पाइप आती है, और फाइनली हमारा यूरिनरी ब्लैडर सबसे नीचे होता है। तो अगर किसी को यहाँ दर्द हो रहा है तो शायद पेशाब की थैली का दर्द है, अगर यहाँ दर्द है तो शायद किडनी का दर्द है, ये हमें पता होना चाहिए। अब याद रखिएगा, यहाँ एक ही ऑर्गन नहीं है, यहाँ पे स्पाइन भी है, यहाँ पे मसल्स भी हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें ओवरलैप हो सकती हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम अगर आगे बढ़ के देखते हैं तो बच्चों में कुछ अलग तरह की बीमारी होती है, जवान लोगों में कुछ अलग तरह की बीमारी हो सकती है, वृद्धावस्था में कुछ चेंज के कारण अलग तरह की बीमारी हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है जान पाना कि किसको किस तरह की बीमारी है। बच्चे कुछ अलग प्रॉब्लम लेके आते हैं, छोटे बच्चे शायद सिर्फ रोते रहते हैं और बता ना पाएं, थोड़े और जो बड़े बच्चे होंगे वो बताएंगे यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, लेकिन कुछ और बड़े बच्चे या वृद्धावस्था में लोग बता पाएंगे कि हमारी दर्द कितने महीने से है, कितने साल से है, और बदन प्रॉब्लम बदल रही है कि नहीं बदल रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और यूरिनरी प्रॉब्लम की बात करता हूँ, तो इन सब चीज़ों पर हमारी ट्रीटमेंट की जाती है। कहने का मतलब, पेशाब जो बनता है वो एक ऐसा पदार्थ है जिसमें पानी है और जिसमें बहुत से सॉल्यूट्स हैं जो डिसॉल्व होकर बाहर निकल रहे हैं, और अगर वो सॉल्यूट्स ज़्यादा हो गए और पानी कम हो गया, मतलब यूरिन सुपर सैचुरेट हो गया, तो शायद किडनी में पत्थर बन सकता है। पत्थर वो नहीं जो हमें बाहर कंकड़ मिलता है, लेकिन पत्थर वो जो बदन में बन सकता है। तो किडनी वो ऑर्गन है जिसमें पेशाब बन रही है, और पेशाब तरल पदार्थ है क्योंकि सब कुछ डिसॉल्व होकर निकल रहा है। लेकिन ऐसा हुआ कि अगर वो डिसॉल्व नहीं हो पाया, अगर वो पाउडर सब बिल्कुल मिल के बाहर निकल ना पाए, तो वो सब जुड़ के और एग्रीगेट होके न्यूक्लिएट होके पत्थर बन सकते हैं। वैसे पत्थरों के बारे में बात कर सकते हैं। पेशाब अगर कंट्रोल ना हो पाया, तो मैंने आपको बताया पेशाब की थैली का अपना दिमाग होता है, वो आपकी बात तब तक मानेगा जब तक वो मान सकता है। एक समय के बाद जब ब्लैडर बहुत भर गया तो शायद हम कंट्रोल ना कर पाए और हमें भाग के टॉयलेट तक जाना पड़ेगा, और कभी कभी पेशाब लीक भी हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा हुआ खांसी करते वक्त औरतों में पेशाब लीक हो जाता है, जो शायद वो बता नहीं पाती हैं, डॉक्टरों के पास जा नहीं पाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उम्र के साथ साथ पुरुषों में, क्योंकि आप सब पुरुष हैं तो ये बताना ज़रूरी है कि पुरुषों में एक ऑर्गन होता है प्रोस्टेट, जो उम्र के साथ साथ बढ़ता है। अगर मेरी उम्र 20, 40, 50 है तो ठीक है, 60, 70, 80 होते जाता है तो प्रोस्टेट रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और पेशाब खुल के नहीं आता है। तो ये सब हमें जानने की ज़रूरत है, बिकॉज ये सब चीज़ें हो सकती हैं, और अगर आप जागरूक हैं तो शायद आप और सोसाइटी इसको बहुत जल्दी पकड़ सकता है। तो एक मरीज़ अगर डॉक्टर के पास एक हॉस्पिटल में जाता है और यूरोलॉजिस्ट को मिलता है तो क्या कहता है, किस तरह की मुश्किलों के बारे में बताना कोशिश करता है? बोलता है, डॉक्टर ऐसा लगता है कि मैं पूरी रात पेशाब करता रह रहा हूँ, पूरी रात मेरे को पेशाब आता है, पहले तो एक बार दो बार आता है, लेकिन अब तो मैं 4 बार 7 बार 10 बार जाता हूँ। अब मेरे को जल्दी जल्दी जाना पड़ता है और मेरे को टॉयलेट खोजना पड़ता है, अगर मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया तो शायद पेशाब लीक हो जाएगा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता टॉयलेट पहुँचने के पहले, मैं कभी कभी पेशाब में खून पास करता हूँ, ये नॉर्मल नहीं है, हम पेशाब में सिर्फ यूरिन पास करते हैं, उसमें खून आता है तो कुछ एबनॉर्मलिटी चल रही है, मेरे को बहुत समय लगता है पेशाब खाली करने में, बाकी बच्चे पेशाब करके निकल जाते हैं, बाकी सज्जन निकल जाते हैं, लेकिन मैं करते रहता हूँ, मेरे को समय लगता है, शायद करने के बाद मेरा पूरा पेशाब खाली नहीं होता।
डॉक्टर साहब ऐसा है कि कभी कभी रात को मेरे को बेड में पेशाब हो जा रहा है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, ये बॉडी में और ब्रेन में और ये पूरी ब्लैडर में जो एक तरह का अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग कभी भी गड़बड़ हो सकती है। हम दिन में 20-30 बार पेशाब करने जा रहे हैं और कभी ऐसा हो रहा है कि हमें यहाँ दर्द हो रहा है और किडनी में पहले पत्थर रह चुका है, तो ये सब चीज़ें एक मरीज़ एक डॉक्टर को बता सकता है और ये जानने की ज़रूरत है, बिकॉज हर डॉक्टर इसकी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, जैसे हर डॉक्टर ब्रेन की और हार्ट की ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, ये हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इम्पॉर्टेंट है कुछ सिनारियोज जिसमें कोई पूछता है हमें कितना पानी पीना चाहिए, आप में से कोई बताएगा हमें कितना पानी पीना चाहिए हर दिन? 2 लीटर, अच्छी बात है। तो देखिए हर आदमी के रिक्वायरमेंट अलग है, मैंने सुन लिया आप हर किसी का आंसर अलग था, कोई बोलता है मेरे को 1 लीटर में काम चल जाएगा, कोई बोलता है कि मैं बाहर इतना दौड़ता हूँ खटता हूँ बहुत पसीना आता है मेरे को 3 लीटर पीना पड़ेगा। तो हम लोग में से कोई लीटर के हिसाब से गिन के नहीं पीता, वो तभी आती है जब एक डॉक्टर बीच में आ जाता है, वरना हम लोग सुबह से शाम तक पानी पीते रहते हैं बिकॉज हमें प्यास लगती है या हमने कुछ खाया है और हमें पानी से निगलने की ज़रूरत है। हमारा ऐसा मानना है कि लोगों को दिन भर पानी थोड़ा थोड़ा पीने की ज़रूरत है क्योंकि बॉडी को पानी की ज़रूरत है, बॉडी को जो भी वेस्ट निकालना है यूरिनरी पैसेज में या मोशन पैसेज में उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है, और ये पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है उन लोगों में जिनमें पानी कम है, जिनमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है या जिनमें स्टोन की तैयारी होती है, जो किडनी स्टोन बनाते हैं उनकी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं हमें पेशाब करने में बहुत टाइम लग रहा है, अगर छोटा बच्चा बोलता है तो मैं सोचता हूँ पेशाब की नली में रुकावट है, अगर वृद्धावस्था में कोई बोलता है तो मैं सोचता हूँ प्रोस्टेट की रुकावट हो रही है, और अगर एक औरत बोलती है तो शायद उनकी भी पेशाब के रास्ते में रुकावट हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज क्या कहता है उसके आधार पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। कोई कहता है कि मेरे को पेशाब में 3 महीने पहले खून आया था और मैं चुप रहा, मैंने डॉक्टर को बताया नहीं, मैंने घर में किसी को नहीं बताया, मैंने छात्रावास में भी किसी को नहीं बताया, और उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा खून आया और फिर कुछ टुकड़े भी आए, तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। पेशाब में खून आना कभी भी नॉर्मल नहीं है, और ये गर्मी के मौसम के कारण नहीं हो रहा है, या तो इन्फेक्शन है या तो कोई पत्थर मूवमेंट करने की कोशिश कर रही है, और खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि कभी कोई कैंसर हो। तो इसलिए पेशाब में खून कभी भी नॉर्मल नहीं है, पेशाब में अगर खून देखने को मिला तो हमारा ये तात्पर्य होता है कि हम डॉक्टर के पास जा करके बात करें। डॉक्टर साहब मैं 4 से 7 बार रात को यूरिन पास करता हूँ। 4 से 7 बार क्यों पास करते हैं? आप रात को पेशाब करके सोया कीजिए। नहीं, फिर भी मेरे को बार बार जाना पड़ता है, तो ये एक अलग सी कारण है जिसमें ब्लैडर बार बार रात को कॉन्ट्रैक्शन करके भगाती है। ये वृद्धावस्था में ज़्यादा होती है बिकॉज हार्मोन बदल जाते हैं, शक्कर की बीमारी होती है वगैरह वगैरह। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जहाँ तक पेशाब में के रास्ते में रुकावट की बात है, इसको कभी भी लाइटली ना लिया जाए। अगर किसी का पेशाब का धार बहुत पतला आता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, रुक रुक के आता है और बहुत समय लगता है, तो ये खुशी की बात नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को समझाएं और अवगत कराएं कि ये हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी या शक्कर की जो बीमारी है उसमें किडनी में, पेशाब की थैली में, ये सब अंगों में प्रॉब्लम होती है, उसमें पेशाब भी ज़्यादा बनता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी फ्यूचर में होने वाली है या जिसको है, वो रात को बार बार पेशाब जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है और उनको बार बार पेशाब आता है। अंग्रेजी में इसे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया कही जाती है। तो शक्कर की बीमारी इतनी अनकॉमन नहीं है, बहुत ही कॉमन है, भारत में बहुत लोगों को होता है, उम्र के साथ साथ होता है, जिनके फैमिली में माता पिता को है उनको होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम डायबिटीज़ के बारे में जानें और डायबिटीज़ से किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है इसके बारे में जानें। तो किसी को शक्कर की बीमारी है और यूरिनरी प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट को मिलने की ज़रूरत है। और फाइनली ये पेशाब में जलन होना, औरतों में पेशाब में जलन होना, बच्चों में पेशाब में जलन होना, वृद्धावस्था में जलन होना, इसको यूरिनरी इन्फेक्शन के बारे में बताई जाती है। तो अगर पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, बुखार हो रहा है इसके साथ, ये एक यूरिनरी इन्फेक्शन है। मतलब यूरिनरी पैसेज में कोई बैक्टीरिया नहीं थे और कीटाणु कहीं से आकर के बैक्टीरियल यूरिनरी पैसेज में आ गए, तो ये इन्फेक्शन कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट जल्दी होनी चाहिए, ताबड़तोड़ होनी चाहिए और समय पर ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी ये बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, औरतों में ये इन्फेक्शन बार बार होता है, तो ये जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि हम उस बैक्टीरिया को नहीं मारना चाहते क्योंकि वो तो बार बार आएगा, कारण को पकड़ना चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ जिसकी मुश्किल है उसकी कारण को टाइम पे पकड़ने की कोशिश करना हमारा काम होता है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये आपको दूर से भी दिख रहा होगा कि किडनी के रास्ते एक पत्थर निकलने की कोशिश कर रहा है, किडनी के रास्ते एक पत्थर बना और पत्थर उस पाइप से निकलने की कोशिश कर रहा है। जब ऐसा होता है, पत्थर बना और पत्थर क्यों बना, क्योंकि पानी कम पी रहे थे और किडनी में पत्थर बनने की प्रवृत्ति है, तो ये पत्थर यूं इस रास्ते से निकलने की कोशिश करता है जैसा आपने देखा, और पत्थर आके कहीं भी फंस सकता है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है।
तो ये जानना जरूरी है कि अगर पत्थर बना तो हम कभी ना कभी तंग कर सकता है, क्योंकि वो इसी रास्ते से निकलेगा, और अगर नहीं निकलेगा तो शायद वहाँ पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा तो बढ़ता रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है हम अपने किडनी के बारे में जानें। तो जैसा हमने दिखाया है, किडनी पीछे होती है और यहाँ पे दर्द होना, यहाँ पे पीड़ा बढ़ता रहना और नीचे की तरफ आगे की तरफ पीड़ा होना, ये शायद पत्थर के बारे में समझाता है। तो जैसा मैंने बताया आपको, ये पत्थर अगर गिर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है पेशाब के रास्ते निकल भी जाएगा, कभी कभी हमें इसे दूरबीन से खाली भी करना पड़ता है। तो ये आपको जगाने के लिए है कि पानी अच्छा खासा पिएं, और अपनी अपनी यूरिन का कलर अगर क्लियर है तो खुशी की बात है, अगर यूरिन बहुत गाढ़ा आ रहा है मतलब आप पानी कम पी रहे हैं। ये एक बहुत ही कॉमन मापदंड है जो हमें जानने की ज़रूरत है। तो मैंने बताया कारण क्या है पत्थर बनने का, हर किसी को पत्थर नहीं बनता, इसी एक ही घर में किसी को पत्थर है और बाकी लोगों को किडनी में पत्थर नहीं है। क्यों? क्योंकि यूरिन बहुत सुपर सैचुरेटेड है, उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है, इसे हमें पानी की मात्रा बढ़ाने से ही काम आएगा, बिकॉज किडनी सब कुछ फिल्टर करके निकालने की कोशिश करेगा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो इसलिए पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो शायद किडनी में पत्थर नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पे ये दो फोटोज़ हैं जिसमें दिखता है कि किडनी में बड़े बड़े पत्थर हो गए हैं। ये जो सफ़ेद सी फोटोग्राफ है, ये किडनी है और इसमें बड़ी सी पत्थर है, और वो वहाँ पे दो बड़े बड़े पत्थर हैं। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे साइलेंटली पत्थर बन रहा था और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वो पत्थर जो गिरा वो छोटा पत्थर है, बिकॉज वो पाइप के द्वारा नीचे गिर सकता है और कहीं ब्लॉक कर सकता है, लेकिन एक बड़ा पत्थर जो साइलेंटली चुपके से बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा, वो दर्द नहीं देता, वो खून नहीं बहाता और तभी बढ़ता रहता है, क्योंकि उसने कभी कंप्लेन नहीं किया कभी, तो इसलिए मरीज ने भी कभी कंप्लेन नहीं किया। तो ये सब किडनी बहुत साइलेंटली पत्थर बना रही है, इसे बनने में कभी 2 साल 10 साल 20 साल भी लग सकता है, और ऐसे लोगों को हमें ट्रीट करने के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। तो ये सब पत्थर को हम दूरबीन के रास्ते लेज़र से ट्रीटमेंट करते हैं। ये पेशाब के रास्ते हम दूरबीन से अंदर घुसे और पत्थर कहीं भी फंसा हुआ है तो उसको लेज़र करके दूरबीन से पाउडर कर रहे हैं। तो ये पेशाब की नली, मैंने आपको बताया था, बहुत ही पतली सी नली होती है, और इस नली में दूरबीन और दूरबीन के अंदर एक लेज़र, और लेज़र के द्वारा आप देख रहे हैं पत्थर को छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये पत्थर किडनी के पाइप में फंसा हुआ है और इसका निकलना अपने से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पत्थर बड़ा है और पाइप छोटी है। तो इसका निकलने का तरीका तभी होगा जब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में पाउडर करेंगे, इसके अंश को बाहर निकालेंगे और इस किडनी को रुकावट से बचाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होती है उस इमरजेंसी के लिए जहाँ पत्थर आके किडनी में फंस गया। अब मिसाल के तौर पे हमने जो दूसरी ट्रीटमेंट है जिसमें छोटे छोटे पत्थर किडनी में फंसे हुए हैं, वो उनको हम पानी पी के ही डिसॉल्व कर सकते हैं, उनको हम नींबू ऑरेंज लेके ही डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है और पत्थर इस तरह के साइज के हैं, तो उसकी जो ट्रीटमेंट करते हैं वो बाहर से ही करते हैं, अंदर दूरबीन ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक लिथोट्रिप्सी। लिथो मतलब पत्थर, ट्रिप्सी मतलब पाउडर, तो पत्थर को पाउडर करना चाहते हैं एक साउंड वेव से। और मिसाल के तौर पे ये वो मशीन है जिसपे मरीज लेट जाता है और वो साउंड वेव जाके पत्थर को पाउडर कर लेता है। आप देखिए एक मरीज उस मशीन पे लेटा हुआ है और साउंड वेव जा करके पत्थर को बिल्कुल जैसे हम बंदूक से गोली मारते हैं, इस तरह से पत्थर को गोली मारता रहता है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये छोटी सी जो वीडियो है वो किडनी है और किडनी में पत्थर फंसे हुए हैं। अब ये साउंड वेव जाकर के उस पत्थर को पाउडर कर रहा है। तो ये इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है जितनी इस मंदिर में, इस आधार में टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। मैं यहाँ से बटन दबा रहा हूँ और वहाँ काम हो रहा है, जैसे आज के ज़माने में आप बटन दबाते हैं और टीवी ऑन हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी इतनी ऊँची हो चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि आपने पूरी टेक्नोलॉजी को अपनाया हुआ है और एक रिमोट से मैं ये पूरा चीज़ बटन दबा पा रहा हूँ। तो रिमोट से बाहर से ही हम पत्थर को बिल्कुल चकनाचूर कर रहे हैं और पेशाब के रास्ते वो गल के निकल जाएगा। ये छोटे पत्थरों की ट्रीटमेंट है। ये आपको जागरूक करने की ज़रूरत है कि हम हर किसी को ऑपरेशन नहीं करना चाहते। अगर हमने टाइम पे पत्थर पकड़ लिया सोनोग्राफी में, हेल्थ चेकअप में, और वो पत्थर छोटा है, तो इसकी ट्रीटमेंट इस तरह से हो सकती है, बशर्ते हम इसे टाइम पे पकड़ें, पत्थर नीचे गिरने ना पाए, उससे पहले हमने इसे चकनाचूर कर दिया। इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो उन छोटे छोटे पत्थरों को हम दूरबीन से भी अंदर जाके निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम पेशाब की पाइप के द्वारा ऊपर गए, किडनी में घुसे और फिर टेलीस्कोप को बेंड किया और फिर नीचे जाकर के उस पत्थर को निकाल दिया। तो किसी तरह हम पत्थर से मुक्त होना चाहते हैं, इस बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं जो हमें तंग कर सकता है। मिसाल के तौर पे जो बड़ी सी पत्थर की बात कही थी वो आपको समझाना चाहते हैं। हम इस तरह से यहाँ होल करके किडनी में घुस के सीधे किडनी को पत्थर को निकालना चाहते हैं। तो आप देखिए मैं होल करके किडनी में घुस रहा हूँ और ये पत्थर बनने में 10 साल लगा और हमें घुसने में सिर्फ 10 मिनट लगा। 10 मिनटों में हमने एक वायर ली, एक दूरबीन ली और देखिए हम किडनी में घुस चुके हैं। तो जो पत्थर धीरे धीरे 10 साल से बन रहा था, उस पत्थर को हम किडनी में पहुंच चुके हैं। हम एक ज़माने में काट के ऑपरेशन करते थे, आज एक दूरबीन के द्वारा, होल के द्वारा अंदर घुस करके और उस पंक्ति के द्वारा इस पत्थर को बिल्कुल पाउडर कर पा रहे हैं।
तो ये बताने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, ट्रीटमेंट इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये यहाँ पे और हर शहर में और हर गांव में और हर देश में ये ट्रीटमेंट आज अवेलेबल है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसे टाइम पे पकड़ें, तो ट्रीटमेंट कराएं ताकि इन अंग को मुश्किल ना होने पाए। किडनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। मैं ये बताना चाहता हूँ इस माध्यम से और इतने स्ट्रांग रंगमंच से कि भगवान ने हर किसी को दो किडनी दिया है, पर पॉसिबल है कि 4000 में एक ऐसा आदमी होता है, एक ऐसी औरत होती है जिसका सिर्फ एक ही किडनी होता है। तो अगर आपकी उम्र 20, 40, 50, 60, 70 है और आपने सोनोग्राफी कराई और पता चला सिर्फ एक ही किडनी दिखता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। 4000 में एक ऐसा पुरुष या स्त्री होता है जिसमें एक ही किडनी है और उस किडनी से ही आदमी काम चला रहा है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास दो किडनी है, लेकिन कभी कभी एक किडनी हो सकता है। तो ये देखिए, हमने इतने बात करते करते इस पत्थर को पाउडर कर दिया और ये पत्थर बाहर निकलने को तैयार है। तो कहने का मतलब कि बीमारी की निदान है, बीमारी की ट्रीटमेंट है, यहाँ तक पहुँचने के पहले भी है, तो बदन के बाहर से या बदन के अंदर से हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो हमने बताया किडनी की पाइप में पत्थर फंसी हुई है, इस पत्थर को हमने दूरबीन के रास्ते निकाला। ये सब पत्थर ब्लैडर में है, पेशाब की थैली में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पत्थर नहीं है, पत्थर नीचे है बिल्कुल, जहाँ पेशाब की थैली है। पेशाब की थैली में इतने बड़े बड़े पत्थर होना मतलब कोई नर्व की बीमारी है, कोई ब्लैडर की बीमारी है। ब्लैडर पेशाब खाली नहीं करती, बहुत पेशाब बच जाता है और उसमें इतने बड़े बड़े पत्थर हो रहे हैं। तो ये भी एक तरह की बीमारी है जहाँ पर हम पेशाब के सारे अंग में दिखा रहे हैं जहाँ पत्थर हो सकता है और पत्थर फंस सकता है। अब हम यहाँ से जल्दी हट रहे हैं और दूसरी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ सब पुरुष लोग हैं और पुरुष लोगों में जो ऑर्गन एक होता है उसे हम प्रोस्टेट कहते हैं। ये पेशाब की थैली है जो यहाँ पे है और पेशाब की थैली लिंग के द्वारा पेशाब रास्ता खाली करता है। इस ऑर्गन को हम प्रोस्टेट कहते हैं, जो एक तरह का ट्रैप डोर है। पेशाब का पतला सा रास्ता इस ट्रैप डोर के द्वारा निकलता है। आज आप सबकी उम्र उस उम्र में है जहाँ ये प्रोस्टेट आपको तंग नहीं करता, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पिताजी की उम्र में, ग्रैंडफादर की उम्र में, ये प्रोस्टेट धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करता है और ये जैसे जैसे बढ़ता है आप देखेंगे इसमें चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रोस्टेट बिल्कुल नॉर्मल सा है और जिसके बीच में रास्ता खुला पड़ा है, पेशाब आराम से जाता है, ये धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करता है हार्मोन की चेंज के बाद 40 साल, 50 साल, 60 साल में, और ये रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो ये जो ब्लॉक कर रहा है, ये ब्लॉक करता हुआ चीज़ धीरे धीरे पेशाब का रास्ता बंद हो रहा है। और ये बंद होना अपने में अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये धीरे धीरे हो रहा है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, मेरे बाल धीरे धीरे सफ़ेद होते जा रहे हैं तो मेरे को पता नहीं चलता। तो वैसे ये 10 साल 20 साल में धीरे धीरे पेशाब की जो पाइप है या यूरेथ्रा है वो टाइट होती जा रही है और इसको हमें टाइम पर पकड़ने की ज़रूरत है, वरना एक दिन पेशाब बंद ना हो जाए। ऐसा होता है कि बहुत से बुजुर्ग लोगों को पता नहीं था और चलते चलते एक दिन रात को पेशाब बंद हो गई क्योंकि रास्ता धीरे टाइट हो रहा है। तो अगर ऐसा लगता है कि कोई बुजुर्ग है और पेशाब खुल के नहीं आता है तो अपने यूरोलॉजिस्ट से टाइम पे मिलने की ज़रूरत होती है। तो ये जागरूकता है कि हम इंतज़ार न करें अगर ड्रॉप आता है तो, बिकॉज पेशाब की जो नली जो बिल्कुल खुली पड़ी है वो धीरे धीरे बंद होती जा रही है और ब्लॉक होती जा रही है। तो ये ब्लॉक नहीं होने देना, ये हमारा मेन इंटरेस्ट है। हम यहाँ से आगे बढ़ करके देख रहे हैं कि अगर पेशाब का रास्ता बंद हुआ तो क्या होगा। एक समय वो झरना बहुत ज़ोर से बहता था, लेकिन क्योंकि ये रास्ता धीरे धीरे प्रोस्टेट से ब्लॉक होता जा रहा है, जो पेशाब खुल के आती थी वो रुक रुक के आती है। तो अगर रुक रुक के आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, बिकॉज इसका ट्रीटमेंट रिवर्स करना बहुत बार मुश्किल भी हो जाता है। तो हम चाहते हैं लोगों को टाइम पे बताएं कि पेशाब खुल के है। हम जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं और पेशाब की थैली के बारे में कुछ बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि पेशाब की थैली एक बलून की तरह है, उसमें मसल्स हैं और वो समझदार है, उसमें सेंसेशन होता है जैसे मुंह में सेंसेशन होता है। मिर्ची डाला तो थूकने को मन करता है, मिठाई डाला तो बहुत देर रखने को जी करता है। वैसे पेशाब की थैली धीरे धीरे एडजस्ट करती जाती है और जब ब्लैडर भरता है तो निकालने की कोशिश करती है। और ये हमारे लिए ज़रूरी है कि बताएं इसकी कैपेसिटी 300 से 500 ml तक होती है, ताकि इतना पेशाब रोक सकते हैं। तो जब पेशाब रोकते हैं तो अलग अलग कंट्रोल की मैकेनिज्म होती है और ये मैकेनिज्म कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। इस मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना और हमें अपनी यूरिन को कंट्रोल रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग कर पाते हैं। आप लोग इस मीटिंग में बैठे हैं अगले 5-7-10 मिनटों के लिए, लेकिन आप सब ने अपनी यूरिन कंट्रोल की है, क्योंकि ये जो बैग है ये धीरे धीरे भर रहा है और अपने आप को संभाल रहा है। ये जरूरी है कि इस कंट्रोल में कभी कभी कंट्रोल निकल ना जाए। और ये कंट्रोल निकलना क्यों होता है, जिसे इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, जिसके कारण हमें भाग के जाना पड़ता है टॉयलेट, कंट्रोल नहीं होती है, बार बार जाना पड़ता है, रात को बार बार जाना पड़ता है। और इस चीज़ को हम लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन पावर इन्फेक्शन में, रुकावट में, या यूं ही ऐसे ही कभी कभी बढ़ सकती है और भागने की ज़रूरत पड़ सकती है। नहीं पहुंच पाया तो कभी पेशाब निकल भी सकता है। ये बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारा टॉयलेट कहाँ पे है। हमें पता होना चाहिए कि हम कहीं अगर निकल रहे हैं तो पहले यूरिन पास करके निकले, वरना ट्रैफिक में फंस गए तो शायद मुश्किल हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम पानी भी अच्छा खासा पिएँ और पत्थर ना होने दें।
लेकिन कभी कभी वृद्धावस्था में औरतों में, क्योंकि उनकी कंट्रोल की लेवल अलग तरह से बनी हुई है पुरुषों को छोड़ करके, ये जो पूरी पेल्विक फ्लोर है ये कमज़ोर होती जाती है, और इस कमज़ोरी के कारण बहुत बार औरतों में एक तरह की लीक होती है, जो चलते हिलते डुलते सीढ़ी चढ़ते खांसी करते या हंसते हुए भी पेशाब लीक हो सकती है। ये इसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं और ये औरतों में बहुत कॉमन है। और किसी औरत से अगर पूछेंगे तो वो बोलेंगे मेरे को ये 2 साल 10 साल से ये प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, मैंने किसी को बताया नहीं, मैं डायपर पहन लेती हूँ, हम नहीं चाहते किसी को ये मुश्किल हो। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे औरतों को हम यह अवगत कराएं, सोसाइटी को बताएं कि अगर पेशाब में कोई लीक हो रही है, खांसी करते हंसते चिल्लाते, तो इसकी ट्रीटमेंट है और ये ट्रीटमेंट की जा सकती है। इस ट्रीटमेंट में हम छोटा सा एक ऑपरेशन करते हैं और उनको उनकी हंसी वापस दे देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को टाइम पर पकड़ें और उनको उनकी पटरी पर वापस लाएँ। यूरोलॉजिस्ट का ये काम है कि यूरिनरी हेल्थ को सेफगार्ड करने के लिए ट्रीटमेंट करें और आपको इसके लिए अवगत भी कराएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने बारे में कंट्रोल रखें तो शायद इसको आगे बढ़ा पाएंगे। हम जो लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको जगाना चाहता हूँ। हम सबका जब पेशाब का थैली भरता है तो हमें पेशाब लगता है, हम दौड़ के पेशाब करने जाते हैं। लेकिन अगर किसी को पेशाब लगते वक्त अगर ब्लैडर में दर्द हो रहा है तो ये अलग तरह की बीमारी है और ये बीमारी बड़ा अनूठा होता है, इसे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस कही जाती है। ये अच्छी बीमारियों में से नहीं है। तो अगर ब्लैडर भर रहा है और पेशाब लग रहा है और मैं कंट्रोल नहीं कर सकता तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर भर रहा है और दर्द हो रहा है तो ये थोड़ी मुश्किल की बात है और ये नहीं होने देना है। ये जो मैं लास्ट पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। रात को बार बार पेशाब होना या पेशाब बेड पे लीक हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। ये होता है, बचपन में होता है, माताजी सिखाती हैं कि बेड पे लीक ना हो और बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, संडास की ट्रेनिंग दी जाती है। वर्ल्ड बेड वेटिंग डे के नाम से मनाया जाता है लास्ट सैटरडे, मई के लास्ट सैटरडे में लोगों को अवगत करने के लिए। हम भी इस तरह के लोगों को अब बताना चाहते हैं कि इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और इसलिए अवगत करने के लिए, जागरूकता के लिए जिस तरह की बात होती है, हमने एक बार इस तरह की जागरूकता फैलाई थी जिसमें लोगों को जगाया था कि रात को बार बार पेशाब करना और बेड पे पेशाब लीक हो जाना ये बिल्कुल ठीक हो सकता अगर आपने डॉक्टर के पास आप जा पाए। तो देखिए हर तरह की बीमारी हो सकती है इन ऑर्गन्स में और इन ऑर्गन्स को हमें टाइम पे बताने की ज़रूरत होती है। तो बेड वेटिंग होना, प्रॉब्लम होना, ये सब चीज़ें हमें टाइम पे पकड़ना है और आज हमने पकड़ लिया तो कल हम इस प्रॉब्लम को नहीं होने देंगे। अदरवर्ड्स हमारी रातें ड्राई होंगी, हम बेड वेटिंग नहीं करेंगे, हम बार बार पेशाब की तरफ नहीं दौड़ेंगे। तो इसलिए हम जो कुछ करते हैं वो हम सही सलामत करें, हम टाइम पे करें। अगर कोई चीज़ हम गड़बड़ कर रहे हैं तो उसे हम टाइम पे पकड़ लें। आज की जागरूकता का विषय यही था कि हम ये सब कुछ टाइम पे पकड़ने की कोशिश करें। एक मरीज़ और एक डॉक्टर में, सोसाइटी में और हॉस्पिटल में इस तरह की एक समन्वय हो कि हम सब कुछ टीम वर्क की तरह टाइम पे करें। अगर वो ना कर पाएँ तो शायद ये टीम वर्क हो नहीं पाएगा। अगली बार जब इस तरह की कोई किसी यूरिनरी प्रॉब्लम की प्रॉब्लम हो, वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, वो पेशाब की लीक की प्रॉब्लम हो, वो खून की प्रॉब्लम हो, पेशाब में जलन हो, दर्द हो, तो कभी ना कभी अपने डॉक्टर को बताना है, अपने यूरोलॉजिस्ट को बताना है। मैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में काम करता हूँ जो यहाँ से दूर है, मुंबई में है, और वहाँ पर इस तरह की जागरूकता के कारण बहुत से मरीज़ अपने घरों में सही टाइम पर ठीक होकर घर चले जाते हैं। क्योंकि आप सब छात्र हैं, आप सबको जगाना ज़रूरी है और सोसाइटी के इतने बुज़ुर्ग और इतने इंपॉर्टेंट लोग बैठे हुए हैं, हमें बताना ज़रूरी है कि अगर बहुत आवाज़ आ रही है उसमें आपने म्यूज़िक सुन लिया तो आप अपने आप को रीइनकार्नेट करते हैं। बहुत सी जागरूकता के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जागरूकता जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और जिसके साथ ये इतना इंपॉर्टेंट वार्तालाप ख़त्म करना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे जैसे बीमारियाँ होती हैं उनको हम ठीक कर लेते हैं। मान लीजिए हम कोई बीमारी को ठीक ना कर पाए तो ऐसी एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं किडनी फेलियर। किडनी फेल कर जाती है, कोई चीज़ फेल कर जाए, अगर ये मशीन फेल कर जाए तो ये प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो किडनी एक ऑर्गन है जिसको आपने संभाल के रखा हुआ है, पानी पी रहे हैं, डॉक्टर को मिल रहे हैं और किडनी अपना काम कर रही है। लेकिन अगर किडनी फेल कर जाती है तो ये बहुत दिक्कत की बात होती है। तो हम जहाँ तक अच्छे दिनों की बात कर रहे हैं और अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, वहीं पर हम एक जागरूकता लाना चाहते हैं ताकि लोग याद करके बताएं कि हम अपने यूरोलॉजिस्ट को पसंद करते हैं, हम मिस नहीं करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को। बिकॉज अब ये हेडलाइंस ये होना चाहिए कि जो भी इम्पॉसिबल है उसे पॉसिबल करें, जो भी हम ट्रीट करना सकते हैं करें और जो क्योर कर सकते हैं करें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जागरूकता है वो जागरूकता आज पूरे भारत में और देश में फैलाने की ज़रूरत है और वो जागरूकता ये लास्ट पार्ट है। ऑर्गन की कमी, कोई भी चीज़ की कमी अगर हो तो मुश्किल होती है। बिकॉज आप इतने यंग लोग हैं और आपके भार पे पूरे भारत का फ्यूचर है, ये जानना आपको ज़रूरत है कि अगर किडनी फेल कर गई तो, अगर वो किडनी काम नहीं करती तो इसे हम कहते हैं किडनी फेलियर, एंड स्टेज रिनल डिजीज़। उस समय हमें किडनी का प्रत्यारोपण करना पड़ता है, कहीं से किडनी लाके लगाना पड़ता है
और भारत के रूल्स के हिसाब से हम सिर्फ आपके रिलेटिव से ही किडनी ले सकते हैं। ये जागरूकता कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने लोगों को ही किडनी दे सकते हैं तो ये सोचिए इतने लोगों को जिनकी किडनी फेल हो जाती है और इनको हम डायलिसिस की मशीन पर रखते हैं और वो किडनी काम नहीं कर रही है, फिल्टर नहीं कर रही है, तो हम उसको मशीन से फिल्टर कराते हैं ताकि आदमी की ज़िंदगी बची रहे। मुश्किल ये है कि इस ऑर्गन्स की शॉर्टेज है। मुश्किल ये है कि जागरूकता इतनी नहीं है लोगों को कि अगर दो किडनी है तो एक किडनी हम दान कर सकते हैं। और ये हम आपको बताना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में एक किडनी अपने रिलेटिव को दान कर सकते हैं जिसको शायद ये मुश्किल है, उनकी दोनों किडनी फेल हो गई है। अगर आपके पास दो खिलौना है और सामने वाले बच्चे के पास एक भी खिलौना नहीं है तो मेरे ख्याल से आप एक खिलौना उसको भी दे सकते हैं, वो भी खेले, आप भी खेले। तो भारत के रूल्स के आधार पे किडनी वो ऑर्गन है जो अगर फेल कर जा रही है तो आप अपने रिलेटिव्स को किडनी दे सकते हैं। इससे और अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अंग दान से बड़ा दान कोई दान हो ही नहीं सकता, बिकॉज भगवान ने आपको ये सब कुछ अंग दिया था जब आपकी जन्म हुई थी और ये सब अंग आपके बॉडी में ठीक ठाक चल रहे हैं। इनमें से अगर एक अंग दिया जा सकता है तो वो किडनी है और एक लीवर का पार्ट है, बाकी कोई पार्ट हम दे नहीं सकते। हम अपना ब्रेन दे नहीं सकते, अपना हार्ट दे नहीं सकते, बिकॉज हमें अपने लिए ज़रूरत है। तो किडनी ऐसी अंग है कि अगर हमारे पास दो है तो एक हम किसी को दे सकते हैं, जैसे हम एक खिलौना दान करने को तैयार है, बिकॉज ऑर्गन शॉर्टेज की जो बीमारी है वो बहुत ही क्लिष्ट बीमारी है। ये आपको बताने के लिए कि ऑर्गन शॉर्टेज की प्रॉब्लम को हम क्यों सॉल्व करना चाहते हैं, आपको जागरूक करने के लिए, वो एक छोटी सी कहानी में है जो हमारी लास्ट स्लाइड है। ये बताना चाहती है कि लाइफ ऐसी चीज़ है जिसको हम पास कर सकते हैं। ये बदन जो हमारा है वो हमारे लिए है, लेकिन जब हम न रहे तो ये सब ऑर्गन्स किसी और के काम आ सकते हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो एक रॉबर्ट वाइस जो 1976 में जो कहानी लिख के गए थे, उस कहानी की कुछ पंक्तियाँ आपके दिल में रह जाएं। एट अ सर्टन मोमेंट अ डॉक्टर विल डिटर्मिन दैट माई ब्रेन हैज सीज टू फंक्शन, हमारा ब्रेन काम करना बंद कर गया है और सब इंटेंट्स और पर्पस के लिए हमारी लाइफ अब बंद हो चुकी है। मतलब हम आईसीयू में हैं और हमारी ज़िंदगी डॉक्टर बताता है कि अब और नहीं है, मतलब हमारी ब्रेन काम करना बंद कर गई है। ऐसे कंडीशन में हम ब्रेन डेथ के बारे में बात करते हैं, हमारी ब्रेन अब नहीं रही। जब ऐसा होता है तो इसे हमारा डेथ बेड मत बोलो, इसे बोलो कि ये हमारा बेड ऑफ लाइफ है जिसके कारण हम अपने ऑर्गन दूसरों को दान कर पाएंगे। तो आईसीयू सेटअप में अगर किसी का ब्रेन डेथ होता है, ब्रेन काम करना बंद कर गया, बाकी सब ऑर्गन काम कर रहे हैं, तो उनको हम वेंटिलेटर पे संभाल सकते हैं। और इस तरह का मरीज कहता है कि मेरे को मत बोलो कि मैं मरने वाला हूँ, मैं तो जिंदा रहूँगा क्योंकि मेरे ऑर्गन किसी और के काम आ सकते हैं जो ऑर्गन के लिए तड़प रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी दूसरी पंक्ति है, मेरा खून किसी बच्चे को दे दो जो एक किसी एक्सीडेंट से निकला है और जो अपने बच्चों को ज़िंदगी में देखना चाहता है, क्योंकि ये मेरा खून किसी के काम आ जाएगा। और मेरी आँखें किसी और को दे दो जो अपनी आँखों से देख नहीं पाता, ये जो दृश्य है जो मैं आज अपने सामने देख पा रहा हूँ, ये दृश्य देख नहीं पाता, वो सनराइज़ देख नहीं पाता, एक बच्चे का चेहरा देख नहीं पाता, तो मेरी आँखें किसी को दान दे दो। मेरी किडनीज़ उनको दे दो जो मशीन पे अटके हुए हैं, बिकॉज उनकी किडनी फिल्टर नहीं करती और मशीन उनको फिल्टर कर रहा है, इसे डायलिसिस कहते हैं। मेरा हार्ट किसी को दे दो जो अपनी हार्ट जिसका हार्ट धड़कता नहीं है और जो शायद बेचारा हार्ट के लिए इंतज़ार कर रहा है। मेरा ब्रेन और मेरे सारे सेल्स उन लोगों को दे दो, जैसे एक छोटा सा बच्चा है जो चिल्ला नहीं पाता, जो बात नहीं कर पाता, जैसे कोई कान से सुन नहीं पाता, अगर बारिश के टप टप होती है तो वो भी सुन नहीं पाता। मेरे बोन्स, मेरे मसल, मेरे फाइबर्स और मेरी नर्व्स, वो सब उन लोगों को दे दो जो किसी के काम आ जाए। कहने का मतलब ये है कि कोई छोटा सा बच्चा जो चल नहीं पाता, उसको मसल और बोन दे दो कि वो चल पाए, क्योंकि वो बेचारा उसके पास वो चीज़ नहीं है। तो मेरा पूरा कहने का मतलब था कि सिर्फ वही चीज़ जलाओ ये सब देने के बाद जो शायद फूलों को अस्थि देने के काम आए, जो फूलों को हेल्प करने के काम है, वही चीज़ बरी करो जो मेरी गलतियाँ हैं और मेरी वीकनेस है, बाकी कुछ चीज़ को बरी ना करो। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हमें मिला है ये ऊपर से भगवान ने दिया है और ये हम इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में और ये सब हम सीखते हैं कि हमारा बदन हमारे लिए है और बाकी सबके लिए है। तो हमारी जो गलतियाँ हैं वो हमें माफ़ कर दो और हमें आगे बढ़ने के लिए वो दो, ताकि हम ज़िंदगी भर जिंदा रहें और ज़िंदा रहने के बाद भी ज़िंदा रहें, बिकॉज हमारे ऑर्गन किसी और के पास जा सकते हैं। तो हर चीज़ की देश में कमी है, दुनिया में कमी है, लेकिन ऑर्गन्स की कमी तभी मिट पाएगी अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये प्रण ले पाएंगे कि हमारे ऑर्गन्स किसी और के काम आ सके। तो यहीं पे कहीं हम ये ख़त्म करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अपने ऑर्गन्स हम वहाँ ना लेके जाएं जहाँ जाने की ज़रूरत है, हमें ये ऑर्गन्स यहाँ रखने की ज़रूरत है जहाँ लोगों को ये देने की ज़रूरत है। यहीं हम ये चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं। जैसा मैंने बताया, ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम, कोई भी चीज़ में बहुत समय लगता है। पिछले 25-30 मिनटों में आपने मेरे को जो कुछ सुना है ये जागरूकता के लिए थी
कि ये सब ऑर्गन्स को हमें संभाल के रखना है, इसको एब्यूज़ नहीं करना है, इसको बीमारियों के जड़ में नहीं आने देना है, अपने डॉक्टरों के पास जाकर के इनकी ट्रीटमेंट करा करके सही सलामत रहना है। यूरोलॉजी की अवेयरनेस ऐसी चैलेंज है और ऐसी ड्रीम है जो हम सोसाइटी को फैलाना चाहते हैं, और कोकिलाबेन हॉस्पिटल के मंच से हर बार आपके पास और बहुत से ऐसे स्वामीनारायण मंदिर में और सोसाइटी में जाकर के लोगों को बताना चाहते हैं कि आप जागरूक हों तो शायद आपके माध्यम से बहुत लोग जागरूक हो पाएगा। तो स्वामी नित्य स्वरूप दास जी का हम इतना धन्यवाद देना चाहते हैं और आप सबको इतना धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब लोग आए, आप सब लोग ये सब सुने, और शायद ये आपके दिमाग में घर घर जाएगा और कभी ना कभी इसकी ज़रूरत अगर आपको पड़ी तो हम तैयार हैं, कोकिलाबेन हॉस्पिटल तैयार हैं, और आपके डॉक्टर सरदार गांव में और राजकोट शहर में और गुजरात में और पूरी दुनिया में तैयार हैं। तो हमें अगर ये जागरूक हो पाए आज तो ये जागरूकता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये चैलेंज है कि हम सब ये ड्रीम को आगे ले जाएं, और इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।